दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 और कांतारा मूवी, दोनों ही मूवी रिलीज के आज पूरे 21 डेज यानी 21 दिन कंप्लीट हुई हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोनों ही मूवी के 21 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 250 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए ऐसे तो रिलीज के आज पूरे 21 दिन कंप्लीट हुई है, लेकिन दोस्तों मूवी ने पहले शुरुआती 17 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 465 करोड़ 70 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी ने अपने 17 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 465 करोड़ 70 लाख रुपए। बात की जाए उसके बाद की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी ने अपने 18वें दिन पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 9 करोड़ रुपए। मूवी ने अपने 19वें दिन पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 6 करोड़ 20 लाख रुपए। और मूवी ने अपने 20वें दिन यानी कल इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 80 लाख रुपए। और बात की जाए आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के अनुसार PS1 मूवी आज इंडिया के साथ साथ ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ के टोटली जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 6 करोड़ 30 लाख रुपए। और इसके साथ दोस्तों अगर मूवी के 21 दिनों का टोटल कलेक्शन को एक साथ जोड़ा जाए, तो दोस्तों PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी के 21 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो जाते पूरे 495 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है PS1 मूवी के 21 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन, जो कि हुई है पूरे 495 करोड़ रुपए, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात है। कल तक ये मूवी पूरे 500 करोड़ के क्लब भी पार कर लेगी। वही दोस्तों अगर बात करें कन्नाडा यानी सैंडलवुड इंडस्ट्री के मूवी कांतारा मूवी के बारे में, तो दोस्तों कांतारा मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 16 करोड़ रुपए। कलेक्शन की बात की जाए, तो दोस्तों मूवी ने अपने फर्स्ट वीक पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 30 करोड़ 30 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी अपने दूसरे वीक पे टोटली इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 42 करोड़ 30 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के तीसरे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों कांतारा मूवी ने अपने 15वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 5 करोड़ 55 लाख रुपए। मूवी ने अपने 16वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 14 करोड़ 30 लाख रुपए। मूवी ने अपने 17वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 18 करोड़ 15 लाख रुपए। मूवी ने अपने 18वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 8 करोड़ 60 लाख रुपए। मूवी ने अपने 19वें दिन पे इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 56 लाख रुपए। और मूवी ने अपने 20वें दिन यानी कल इस मूवी ने इंडिया पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 7 करोड़ 5 लाख रुपए। बात की जाए आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों कांतारा मूवी रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार आज जो कलेक्शन करने लगे हैं इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होने लगे हैं मूवी के वो लगभग 6 करोड़ रुपए। और इसके साथ दोस्तों मूवी के 21 दिनों का टोटल इंडिया पे नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 139 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के 21 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है पूरे 168 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों कांतारा मूवी ने अपने इन 21 दिनों में टोटल जो कलेक्शन किया है ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से पूरे 9 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने अपने 21 दिनों में टोटल इंडिया पे ग्रॉस कलेक्शन किया है पूरे 168 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने 21 दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 9 करोड़ रुपए। यानी कांतारा मूवी ने अपने 21 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 177 यानी 177 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है कांतारा मूवी के 21 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन, जो कि हुआ है पूरे 177 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही थे दोनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपसे उम्मीद है इसी तरह के मूवीज अपडेट वीडियो के लिए, बॉक्स ऑफिस के खबरें के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय दोस्तों।